हेलो स्टूडेंट्स, मैं लगभग 30 सालों से IIT और मेडिकल के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको मैं दूंगा 5 स्पेशल टिप्स, जिसमें मैं बताऊंगा कि एक स्टूडेंट सक्सेसफुल किस तरह से बन सकता है। और बाद ही बाद में मैं दूंगा आपको एक बोनस टिप, इसलिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। फर्स्ट टिप, गिव प्रायोरिटीज टू योर स्टडीज। आपके पास खाने, सोने और पढ़ने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं होना चाहिए। आपको दिन रात पढ़ना है, क्योंकि जो लगातार मेहनत करके पढ़ते हैं वही बच्चे एग्जाम में सफल हो पाते हैं। दूसरी टिप, बी पंक्चुअल। हर काम को आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से टाइम पे करना है। आप अगर प्रोकास्टिनेट करेंगे कोई भी असाइनमेंट को, पढ़ने को, या कल पर अगर आप टालेंगे तो फिर आपको सफलता नहीं मिलेगी, इसलिए पंक्चुअल होना जरूरी है। टिप नंबर 3, वर्क ऑनेस्टली। अपने आप से ईमानदार रहिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप अपने आप को बाकायदा बोलिए कि आप नहीं पढ़ें और किसी से कॉपी मत करिए। कहने का मतलब ये कि ईमानदारी से पढ़िए, अपने आप को बेवकूफ मत बनाइए। टिप नंबर 4, स्टे फोकस्ड। जो स्टूडेंट सक्सेसफुल होते हैं उनका फोकस बड़ा जबरदस्त होता है। फोकस लंबे समय तक बनाए रखना काफ़ी मुश्किल होता है, परंतु आपको उसके लिए प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। आप लगातार एक काम को लगभग 30 मिनट से एक घंटे तक करिए, और अगर उसके बाद आपको बोरियत होती है तो 10 से 15 मिनट का ब्रेक लीजिए, परंतु उसके बाद वापस पूरा फोकस होकर कंसंट्रेशन के साथ अपनी पढ़ाई करिए। टिप नंबर 5, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। ये एक बहुत बड़ी परेशानी है कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम अपने आप का कंपैरिजन अपने दोस्तों से या अपने पीयर ग्रुप में करते रहते हैं। कंपैरिजन आपको बहुत डिमोटिवेट करता है या आपको डीरेल कर देता है, डिस्ट्रैक्ट कर देता है। जो आप पढ़ रहे होते हैं वो छोड़कर आप कुछ और पढ़ने लग जाते हैं और आप अपनी जरूरत के हिसाब से काम नहीं कर पाते और सफलता नहीं मिलती है। तो सफल स्टूडेंट बनने के लिए आपको फोकस रहना जरूरी है। और जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि बाद ही बाद में मैं दूंगा आपको एक बोनस टिप, और वो बोनस टिप है वर्क ऑन स्मॉल इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस एवरी डे। कहने का मतलब है कि थोड़ा थोड़ा हर दिन आपको प्रोग्रेस होना जरूरी है। हर दिन आपको अपना पिछले दिन से बेहतर करना है। अगर आप थोड़ा थोड़ा भी प्रोग्रेस करेंगे तो कंपाउंडिंग की वजह से वो इतना ज़्यादा प्रोग्रेस हो जाएगा कि आप सिर्फ एग्जाम में सफल ही नहीं होंगे बल्कि बहुत अच्छी रैंक ला पाएंगे। आई होप ये टिप्स आपकी प्रिपरेशन को एक डायरेक्शन देंगी और आपको एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बनाएंगी। इस तरह के टिप्स को जानने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए और अपनी JEE नीट की तैयारी को लगातार जोरदार तरीके से बनाए रखिए, और मैं लाता रहूँगा आपके लिए स्पेशल टिप्स लगातार।